नमस्कार, मैं हूं शेफाली। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। महिलाएं, नारी और सर्वशक्तिमान नारी, ऐसी ही एक सशक्त नारी हमारे स्टूडियो में मौजूद है, डॉक्टर महिमा तारे जी। नमस्ते। आपका बहुत बहुत स्वागत है महिमा जी। स्वयं सिद्धा, आपको इस नाम से भी संबोधित किया जाता है। जी जी बिल्कुल। क्या कारण है? क्योंकि लोगों ने देखा है कि इन 3 वर्षों में हमने अपने आप को प्रूफ किया है, चाहे रोजगार देने में हो, चाहे महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ाने में हो, मैंने महिलाओं को हमने स्वयं सिद्ध किया है, तो इसलिए लोग बोलने लगे स्वयं सिद्धा। एक वो नारी जो खुद तो सशक्त बने ही, साथ में बहुत सारी महिलाओं को सशक्त बनाने का काम करे। महिमा तारी जी ने अपना एक स्वयं सिद्धा नाम से एक सोसाइटी शुरू की और उस सोसाइटी में बहुत सारी महिलाओं को आपने जोड़ा। कैसे ख्याल आया कि एक बड़ा ग्रुप बना लिया जाए? ये जब बात है आत्मनिर्भर भारत की, मोदी जी बात कर रहे थे जी, और चूंकि मैं राष्ट्र सेविका समिति से जुड़ी हुई हूँ, तो एक अखिल भारतीय मीटिंग ऑनलाइन ली गई थी जी। तो राष्ट्र सेविका समिति की तरफ से वो मीटिंग थी और उसमें था कि हम कुछ ना कुछ महिलाओं को जोड़ के समूह बना के कुछ ना कुछ रोजगार में काम करें। तो तब से ये विचार आया था कि क्यों ना एक महिलाओं का एक समूह बनाया जाए। आपने जब ये समूह की नींव रखी तो जाहिर सी बात है कि एक साथ बहुत सारे लोग नहीं जुड़ पाए होंगे, धीरे धीरे करके ही आपका एक बड़ा समूह बना होगा, तो कैसे आपने शुरुआत की महिलाओं को जोड़ने की? सबसे पहले तो मैंने देखा कि बहुत सी कोरोना काल में बहुत सी महिलाओं ने अपना रोजगार खो दिया था। जैसे हम देखते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर है, तो सबसे पहले उनको हटाया गया स्कूल वालों ने, तो मैंने उन्हीं पे फोकस करा जिनकी नौकरी गई थी और चूंकि वो पढ़ी लिखी थी और उनको लग रहा था कुछ करना है, तो सबसे पहले हमने उन्हीं को लेकर एक छोटी सी मीटिंग बुलाई थी कि क्यों ना हम इस तरह से कोई काम शुरू करें। बिल्कुल, कोरोना का वो ऐसा वक्त था जिसमें बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज ने और बहुत बड़े बड़े लोगों ने अपनी कॉस्ट कटिंग की वजह से बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए थे। ऐसी स्थिति में आपने उनके बारे में सोचा और लोगों को जोड़ना शुरू किया। तो जैसा आपने बताया कि पहली मीटिंग आपकी आर्ट एंड क्राफ्ट के टीचर्स को लेकर शुरू हुई, मैंने सुना था कि आपका स्वयं सिद्धा एक जो सोसाइटी है वो, उस सोसाइटी में आपने कुछ शब्द लुप्त कर दिए हैं, वो कौन से शब्द हैं? नहीं, जैसे हमने पहले स्वयं सिद्धा स्व सहायता समूह जी, तो स्व सहायता समूह से एक थोड़ी सी लो सी फीलिंग आती है, तो हमने कहा स्वयं सिद्धा वुमेन्स क्रिएटिव ग्रुप, क्योंकि क्रिएटिव महिलाएं जुड़ी हुई हैं, हम किसी से सहायता नहीं ले रहे इस तरह से, नहीं, सब अपने बलबूते पे खड़े हैं। ये कहीं ना कहीं महिला के अंदर का एक जो आत्म निर्भरता है और आत्म सम्मान है वो सामने आता है कि हम अगर स्व सहायता समूह लिखेंगे तो लोगों को कहीं ना कहीं ये फीलिंग आ जाती है कि अरे इन्होंने सरकार से पैसा बटोरने के लिए या ये सब करने के लिए इस समूह को बना लिया है, या कोई ना कोई योजना लेने के लिए, जैसे मिड डे मील की है, बिल्कुल, या ड्रेस का है बड़ा काम लेने के लिए, इसलिए स्व सहायता समूह बनाया, तो वो मुझे अपील नहीं कर रहा था। बिल्कुल, जो चीज़ अपील ना करे उस चीज़ से पहले ही पीछे हट जाना चाहिए, महिमा जी ने वो किया। महिमा जी, आपके पास अभी इस वक्त कितनी महिलाएं जुड़ी हुई हैं? अपने पास 250 महिलाएं हैं, 251 एट प्रेजेंट। 251 महिलाओं के साथ आप क्या क्या काम कर रहे हैं? हमारे पास 2-3 तरह की महिलाएं जुड़ी हुई हैं, 3 स्तरों पर महिलाएं काम कर रही हैं। एक तो वो हैं जिनको बेसिक नीड है कि वो आएंगी काम करेंगी और उनको पैसा रोज के रोज चाहिए। दूसरा लेवल वो है जो पैसों से संपन्न है लेकिन उनके पास हुनर है। तीसरा वो है जो पैसे इन्वेस्ट कर सकती हैं, जो आना नहीं चाहती लेकिन पैसे अपने स्व विवेक से हमारे स्वयं सिद्धा में इन्वेस्ट कर सकती हैं बिजनेस के लिए। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि आपके पास उन सभी महिलाओं में इन्वेस्टर भी हैं, मैन्युफैक्चरर भी हैं और खरीदने वाले लोग, खरीदने वाले। मेरा उद्देश्य यही है कि हम महिलाएं बना तो लेती हैं सामान, प्रोडक्ट हर महिला बनाना जानती है, लेकिन मार्केटिंग जब का विषय आता है तो वो पीछे हट जाती है। तो हमारा उद्देश्य है कि हम मार्केट भी उन्हें दें, जैसे मान लो 251 252 जो भी महिलाएं हैं, तो वो हम एक दूसरे का सामान आपस में खरीदारी कर सकें, तो वो एक मार्केट भी है हमारे लिए। ऐसा बोलते हैं वुमेन टू वुमेन में मैन्युफैक्चरिंग किस तरीके की रहती है और क्या क्या चीज़ें आप लोग उपलब्ध कराते हैं मैन्युफैक्चरिंग में? जैसे अलग अलग महिलाएं अलग अलग काम कर रही हैं, जैसे सबसे छोटी इकाई अपन सोच सकते हैं जो महिला कर सकती है, वो फूल बत्ती बनाना, बिल्कुल वो बिल्कुल दीपक जलाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, सब कुछ चाहिए, लेकिन वो इतने ऐसा बोलते हैं लो कॉस्ट पे काम कर रही है तो उसका मॉरल उतना
बूस्ट नहीं होता है कि वो किसी को अप्रोच कर सके, मेरी फूल बत्ती आप खरीदो, तो वो काम हम करते हैं कि हम उनसे सीधे लेते हैं, इकट्ठा लेते हैं और फिर हम अपने प्लेटफॉर्म से उसको बेचते हैं। बहुत सी जैसे कोई हेयर ऑयल बना रहा है, कोई शैम्पू बना रहा है, कोई लिपन आर्ट कर रहा है, कोई मधुबनी कर रहा है, कोई ऐसे मोती की रंगोली बना रहा है, तो ये सब एक प्लेटफॉर्म हमारा है, अब ऐसा बोलते एक अम्ब्रेला है जहाँ पर हर महिला अपना हुनर दिखा सकती है और अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकती है। बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती हैं जिनको वाकई में इस तरीके की एक अम्ब्रेला की ज़रूरत है, जिसके शेड के नीचे वो अपने आप को सुरक्षित भी महसूस करें और कुछ अर्न भी करें। ये आपने कुछ काम मुझे बताए जो महिलाएं करती हैं, जो आपस में आप लोग वुमेन टू वुमेन उसको खरीदते भी हैं और इन्वेस्ट भी करवाते हैं, इसके अलावा और क्या एक्टिविटीज़ आपके समूह में की जाती हैं? जिस जब महिला सशक्तिकरण की बात हो या वुमन एम्पावरमेंट की बात हो तो सिर्फ एम्पावरमेंट पैसों से नहीं आता है जी। कभी कभी हमें ऐसा होता है कि हम आर्थिक रूप से संपन्न है लेकिन हम माइक पे खड़े होकर अपना परिचय भी पूरा नहीं दे पाते, तो उसके लिए हम अलग अलग कार्यक्रम चलाते हैं, मंथली मीटिंग करते हैं ताकि वो अपनी बात अपने को खुद को इंट्रोड्यूस कर सके, या हम कभी उनको मंच संचालन का काम देते हैं या कभी उनको हम परिचय दे देते हैं कि अतिथि परिचय आप दीजिए या अतिथि का स्वागत आप करिए, तो उन जो नॉर्मल महिलाएं उनको मंच तक जाना ये बड़ा एक्साइटिंग लगता है और वो अपने आप को एम्पावर फील करती हैं। आपको ये सब करते हुए लगभग 2 से 3 साल होने जा रहे हैं जी। कोई ऐसी महिलाएं, कुछ ऐसी महिलाएं जुड़ी हों जिनकी कुछ स्टोरीज आपको हमेशा दिमाग में रहती हों और लगता हो कि ये कहां से कहां पहुंच गई और इनको पहले वो चीज़ मिली होती तो और शायद आगे पहुंच, ऐसी कुछ महिलाओं के विषय में हम? हाँ हाँ, जैसे अपन बोलते ना, मैं जो सोचती हूँ स्वयं सिद्धा ऐसा इमोशनल आउटलेट है महिलाओं के लिए जी, कि बहुत से हम मेंटल डिसीज़ भी बहुत सी महिलाओं को रहती हैं कि वो अपनी खुशी या गम किसी को बताना चाहती हैं, तो वो प्लेटफॉर्म भी हम दे रहे हैं कि आप मंथली मीटिंग में आइए, आपका जो हुनर है वो बताइए, या हम जनरल गॉसिप जब करते हैं तो हम अपने अपने घरों की बातें बताते हैं, हम अपने हस्बैंड की बुराई करते हैं मान लो एक एग्जांपल, तो वो हमारा आउटलेट होता है, इमोशनल आउटलेट, तो वो एक प्लेटफॉर्म हमने स्वयं सिद्धा के माध्यम से महिलाओं को दिया है कि वो थोड़ा अपना इमोशन भी अपना निकाल सके। गॉसिप्स की बात की जाए तो महिलाओं को सबसे पहले वो मंच चाहिए होता है जो आपने दिया, और ये कोई बुराई नहीं है, ये होता है कि मन में कभी कुछ फ्रस्ट्रेशन चल रहा है तो हमको कोई मिलता नहीं है वो फ्रस्ट्रेशन बांटने के लिए, फ्रस्ट्रेशन भी कहो खुशी भी बांटने के लिए हमें लोग चाहिए होते हैं। बिल्कुल, खुशी बांटनी है या दुख बांटना है लेकिन लोग अपने चाहिए होते हैं, वो अपने लोग आपने जोड़े हैं। जैसे अब हम पहले चौपाल हुआ करती थी या महिलाएं दरवाजे के बाहर ही बैठा करती बिल्कुल थी, पड़ोसी से बात करने के लिए, लेकिन अब सोशल मीडिया के कारण अगर फ्री टाइम भी है तो वो व्हाट्सएप या रील देखेंगे, वो किसी से अपने को शेयर नहीं कर रही है, तो एक जो मुझे लगता है एक लेकुना पूरे सोसाइटी में आया है, हम बोले किससे, तो वो मुझे लगता है कि एक बड़ा प्लेटफॉर्म है अपनी बात को रखने का। महिमा जी ने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है लेकिन महिमा जी कैसे यहाँ तक पहुँची, अब उनसे हम कुछ पर्सनल बातें कर लेते हैं। महिमा जी, आप डॉक्टर महिमा तारे हैं जी, तो डॉक्टर तक का सफ़र कहाँ से शुरू हुआ और कैसे पूरा किया? मैंने MSc मैथमेटिक्स से किया है और वो भी मैं फर्स्ट क्लास हूँ, फिर मैंने कॉलेज में पढ़ाया पर फिर देखा कि बच्चा डिस्टर्ब हो रहा है, फैमिली डिस्टर्ब हो रही है, क्योंकि जब कॉलेज में आपको पढ़ाना है तो आपको खुद पढ़ना होता है, फिर पूरा अपने बच्चे का देखना है, घर का देखना है, तो वो सब, और बच्चे ज़्यादा सफ़र करते हैं जब हम कहीं बाहर जाते हैं, तो फिर लगा कि नौकरी छोड़ना चाहिए और कुछ अपना ही काम स्टार्ट करें, फिर इंग्लिश से MA आया, MA किया, फिर इंग्लिश से डॉक्टरेट की, तो इस तरह से एक एकेडमिक सफ़र आपने लंबा चौड़ा जो किया है तय किया है, मैथमेटिक्स फिर इंग्लिश और भी डॉक्टरेट किया आपने, इतना सब करने के बाद जब आप अपनी नौकरी को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे तो क्या कभी कुछ ऐसा मन में आया कि हम भी कर सकते हैं लेकिन परिवार की वजह से, इतिहास रहा है महिलाओं को त्याग करना पड़ा। सारी महिला एक ही समस्या से जूझ रही है, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, हम जब एक साथ दो चीजें होती हैं, शादी, बच्चे और करियर जी, ये तीनों चीजें साथ चलती हैं और एक चीज को ही हम कंटिन्यू कर सकते हैं, या तो हम अपनी फैमिली को पूरा सपोर्ट कर सकते हैं या अपना करियर बना सकते हैं, तो अधिकांश जो भारतीय महिला हैं वो अपने परिवार को प्रेफर करती हैं चाहे उनमें कितना भी टैलेंट हो,
मुझे मुझे लगता है ये शायद धैर्य का कारण है, क्योंकि महिलाएं ही उस धैर्य को रख सकती हैं कि अभी परिवार बच्चे को समय देते हैं, उसके बाद हम अपने आप को समय देंगे, और वो उस चीज़ का इंतज़ार नहीं करती कि अब हमारा वक्त निकल गया तो हमारे करियर का क्या होगा। आप महिमा तारे जी उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि इतने गैप के बाद भी वो आज अपने करियर को लेके, अपनी सोच को लेकर और अपने काम को लेकर आप सबके समक्ष हमारे चैनल के द्वारा हैं। महिमा जी, वो एक ब्रेक लिया आपने जी, उस ब्रेक में कैसा आपने समय गुजारा और क्या लगा आपको? ब्रेक में अच्छा ही लग रहा था, अपने बच्ची पे ध्यान दे रहे थे, चूंकि वो 10th क्लास में थी तब उसको पढ़ाना, वो अलग फीलिंग आती ना, अपने बच्चे को अपन बड़ा होते देखना, वो करियर के साथ इतना नहीं हो पाता। यदि पूरे टाइम अपन वर्किंग रहेंगे तो वो जो सुख होता है मातृत्व का सुख, अपने बच्चे को बड़े होने का देखने का सुख, वो नहीं मिल पाता है। तो मातृत्व सुख भी आपने उठाया, हाँ। बच्ची को एक टीनेज में बड़ा होते देखा बिल्कुल, आपने बिल्कुल। और अब नो डाउट बिटिया आपकी बहुत अच्छी जगह पर है, उनकी पढ़ाई भी अभी कंटिन्यू कर रखी है आपने। अब क्या लगता है और इससे कितना आगे आप देख रहे हो अपनी मंजिल को? स्वयं सिद्धा को आगे बढ़ाने का विचार है ताकि और महिलाएं जुड़े, अलग अलग शहरों में हम स्वयं सिद्धा का काम शुरू कर पाए। अभी भोपाल का भी विचार है, इंदौर में भी करने का विचार चल रहा है, और जो संपन्न महिलाएं या जो जिस तरह की भी हैं, संपन्न भी बोल सकते हैं, वो सब अप्रोच कर रही हैं कि क्या हम स्वयं सिद्धा से जुड़े, मैंने उनको ये अपील कर रहा है कि ये सही काम हो रहा है और ये सही डायरेक्शन है। हम सिर्फ बड़ी पापड़ नहीं बना रहे हैं या सिर्फ हम अचार नहीं बना रहे हैं, मैंने उनमें इतनी इंटेलिजेंसी है कि वो इस काम को महत्व को समझ रही हैं कि ये कुछ काम ऐसा है जो जो महिलाओं को एम्पावर कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है। फील कैसा आता है जब आपको महिमा तारे नहीं स्वयं सिद्धा के नाम से पुकारा जाता है? बड़ा अच्छा लगता है। कभी कभी तो ऐसा होता है लोग बोलते हैं आप में से अचार की खुशबू आ रही है। अरे वाह, क्योंकि हमारा अचार का भी मैन्युफैक्चरिंग है और हम जो परंपरागत चीज़ें हैं, अचार बाजार में मिल रहा है, हमने देखा है बड़ी बड़ी कंपनियां दे रही हैं, पर जो ऑथेंटिक अचार होता है कि सरसों का तेल वाला, नो प्रिजर्वेशन एट ऑल, नमक प्रिजर्वेटिव है, सरसों का तेल प्रिजर्वेटिव है, तो जो होममेड जो बोलते हैं जिनको, हम वो प्रोवाइड करा रहे हैं ग्वालियर को, तो ये बड़ी अच्छी फीलिंग आती है। या जब हमारा विदेश में हमारी जो बाखरवड़ी है ये बाहर जाती है, आउट ऑफ इंडिया जाती, तो वो बड़ा बड़ा खुशी देता है कि स्वयं सिद्धा का प्रोडक्ट हमारा बाहर जा रहा है। तो स्वयं सिद्धा में जैसा कि आपने बताया कुछ ज़रूरत महिलाएं जुड़ी हुई हैं जो अपना मैन्युफैक्चर करती, छोटी छोटी इकाई जो है उनको आपने मुहैया कराया हुआ है, कुछ इन्वेस्टमेंट देते हैं, कुछ सेल। इसके अलावा बहुत सारी पढ़ी लिखी महिलाएं भी हैं जो ऐसे ग्रुप से जुड़ना चाहती हैं, उनके लिए भी क्या आपके स्वयं सिद्धा में कुछ जगह है? हाँ, हम क्या करते हर साल एक एग्जीबिशन लगाते हैं स्वयं सिद्धा मेला करके जी, तो उसमें हम चाहते हैं कि सारी महिलाएं अपने प्रोडक्ट का डिस्प्ले करें और हम अपने स्थान पे, ताकि उनको कोई झिझक ना हो, वो बाजार में नहीं बैठी हैं, बाजार में कहीं लगती है एग्जीबिशन तो ये फील आता है कि हम ऐसे रोड पर बैठे हैं जी, एग्जीबिशन इस तरह की लगती है, लेकिन हमारा खुद का अपना बड़ा सा कैंपस है, बड़ी जगह हमारे पास, तो हम अपने प्रमाइसेस में, और उसमें भी हम ये कहते हैं कि जैसे मैं चूंकि महाराष्ट्री हूँ कि जो अपना पारंपरिक परिधान है उनको भी हमको पहन कराना है, गजरा है, नथ है, नौवारी साड़ी है, तो हमारी जो परंपरा है उसको भी हमें संरक्षित करते हुए चलना है और अपने काम को भी आगे बढ़ाना है। तो काफी देखने में बड़ा खूबसूरत दिखता होगा। बहुत सुंदर लगता है कि पानी पूरी पिलाने वाली महिला जो स्टॉल वाली साड़ी पहन के, नौवारी साड़ी है, गजरा है, नथ है, और फिर वो पानी पूरी पिला रही, तो एक वो जो देखने का आप मैंने देखने आई, अलग ही मजा, अलग ही आनंद होता है, और मैंने बड़ा सेटिस्फेक्शन होता है कि महिलाएं आगे आ रही हैं, पैसा कमा रही हैं, अच्छा लगता है। आप खुद का एक सफर आपका और आपके संग जुड़ी सारी महिलाओं का सफर, या आपसे जो नहीं भी जुड़ी हैं जो देखने में आता है उन सारी महिलाओं के सफर की हम बात करें, क्या लगता है नारी इस वक्त देश में किस स्थान पर है? अगर अपन फ्रेंकली स्पीकिंग तो बहुत अच्छी पोजीशन तो नहीं है, हम सब महिलाएं संघर्ष ही कर रहे हैं, जो सेकंड अपन बोलते हैं ना पीछे ही चल रहे हैं, पीछे चल रहे हैं, प्रायोरिटी पे नहीं है, नहीं नहीं बराबरी पे नहीं है, ये सिर्फ हमें एक भ्रम है कि हम बराबरी में आ गए, लेकिन ये वास्तविकता तो बिल्कुल भी नहीं है। हमें आज भी घर में परमिशन लेना पड़ रही है, अगर हम बराबरी पे होते तो हम
परमिशन जैसी वाली बात नहीं, बिल्कुल हम बराबरी पे होते तो हमको 33% में नहीं समेटा जाता, नहीं समेटा जाता ना? हम आधी आबादी, आधी आबादी, लेकिन हमको वो अभी तक वो नहीं मिला है, ना हमें अपने काम करने की स्वतंत्रता है। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो हम लोग त्याग करते हैं या हम पीछे हट जाते हैं, ये हम में ही कमी है, इसलिए पुरुष प्रधान जो होता है वो हमें आगे नहीं आने देता? नहीं नहीं, अगर भारतीय परिवार अगर बचा हुआ है तो हम महिलाओं के कारण ही बचा हुआ है, हमारे सेक्रीफाइसेस के कारण ही बचा हुआ है। यदि सारी महिलाएं सोच लें कि हमें परिवार को टाइम नहीं देना है, तो जिस पूरे विश्व में हम परिवार के लिए जाने जाते हैं वो शायद नहीं जाने जाएंगे। तो महिलाओं को अपने इस पर सेटिस्फेक्शन है कि वो परिवार की मुख्य धुरी हैं, वो मानती भी हैं, बस इतना है कि हमें राष्ट्र में भी मुख्य धारा में जुड़ना है और हमें जो नेशनल इश्यूज हैं जो महिलाएं गौर नहीं करती हैं, बस इतना सा है कि हमें थोड़ा अवेयर होना है और उनमें भी थोड़ा सा अलर्ट रहना है कि आखिर विश्व में चल क्या रहा है। ये थोड़ा सा फिर हम परिवार बच्चों के कारण थोड़ा सा वो करते कि अरे ठीक है बस हमारा बच्चे और परिवार है, बात खत्म। मुझे लगता है इससे थोड़े से आगे जाके कहीं ना कहीं, आपको ये नहीं लगता देश में जहाँ हमारी राष्ट्रपति महिला हैं और वहीं हम कहीं ना कहीं सैनिटरी पैड को लेकर लेक्चर दे रहे होते हैं, अभी इतना भी अवेयर नहीं है हम देश में? नहीं है ना, अवेयरनेस नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है, इतने अवेयर नहीं। वो कुछ महिला हैं, मुझे लगता है कि 10% महिलाएँ देश की हैं जो अपन बोलते हैं ना राष्ट्रपति, बस हम एग्जाम्पल देना पड़ रहा है, देना पड़ रहा है क्योंकि ये हमें समेट विरोधाभास है ना, ये एक कुछ पद देकर या कुछ करके कहीं ना कहीं हमको ऐसा सेटिस्फाई किया जा रहा है। एग्जैक्टली, तो ये सब कहीं ना कहीं पॉलिटिकल स्टंट होते हैं, लेकिन हम अगर बहुत डेफ्टली देखें तो महिलाओं की स्थिति अभी भी जो है बिल्कुल खराब, बहुत अच्छी नहीं है। क्या करें कि महिलाओं का स्तर कुछ, हाँ उन्हें महिलाओं को अपने शारीरिक मानसिक और आर्थिक तीनों स्तरों को बढ़ाना पड़ेगा, जितनी उनको घर से लिबर्टी मिली है उसमें ही अपने को प्रूफ करना पड़ेगा। इसमें आप शिक्षा को कितना मायने देती हैं? शिक्षा तो डेफिनेटली 100% रूल होता है, तो मुझे लगता है जैसे मान लो हम पत्राचार से ही करें पर अपनी जो शिक्षा है उसको कंटिन्यू करें, तो क्या होता है जो परिवार के लोग भी हमें रिस्पेक्ट देते हैं, हम कहीं ना कहीं अपने आप को खुद ही पीछे रखते हैं ना। अब पढ़ने को तो आपको कोई मना नहीं कर रहा, घर में आप मैगजीन पढ़ सकते हैं, आप टीवी में न्यूज़ देख सकते हैं, जरूरी नहीं आप जो कोर्स की किताबें पढ़े, जरूरी नहीं है। आप अपने मेंटल लेवल को बढ़ा सकते हैं कैसे भी, वो हम महिलाएं कहीं ना कहीं छोड़ती जाती हैं धीरे धीरे करके, जैसे जैसे एज बढ़ती है बच्चे बड़े होते जाते हैं हम उसमें से अपने आप को पीछे हटाते पीछे। मुझे लगता है रूट कोर्स तो यही है। एक तरफ जहां हम सर्व शिक्षा अभियान की बात करते हैं, जहां महिलाओं की लिटरेसी की बात करते हैं, वहीं पे कहीं ना कहीं से खबरें छोटी बच्चियों के पैदा होते ही उनको नाले में फेंकने की आ जाती है, इलिटरेसी। उस वक्त क्या इलिटरेसी है या महिलाओं को अपने ऊपर प्राउड नहीं है ना, अगर महिला ने जन्म दिया या इतनी बोल्डनेस होना चाहिए, ये कहाँ से आएगी, कुछ पढ़ के ही आएगा ना, बोल्डनेस कहाँ से आएगी। या हम इतिहास की भारतीय महिलाएं जो हुई हैं, हम अगर उनका इतिहास पढ़ेंगे तो हमें, जैसे अभी 300वां वर्ष अहिल्याबाई का हम चला रहे हैं, जयंती चला रहे हैं, तो आप अहिल्याबाई के जब चरित्र को पढ़ेंगे तो आपको बोल्डनेस अपने आप आएगी ना, हमने पढ़ा नहीं है। हम अपने आप को बहुत पिछड़ा भी नहीं कह सकते, क्योंकि अहिल्याबाई, झांसी की रानी, इन सब के विषय में बात करें तो ये बहुत पुरानी बात है, वो भी इतनी बोल्ड थी। तो अब अगर हम ये कहें कि हम बहुत पिछड़े हुए हैं या हमें वो बोल्डनेस नहीं आती या अभी हमें बहुत वक्त लगेगा, तो ये सब बातें कहीं ना कहीं आकर बेईमानी जैसी नजर आने लगती हैं। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि तब भी यही था ना, कुछ महिलाएं एम्पावर हुई, एग्जैक्टली, जिनके अपन अब जिनको सपोर्ट मिला, सपोर्ट मिला या फैमिली से, किसी भी महिला को सपोर्ट मिलता है परिवार से तो वो एक अपना निश्चित मुकाम जरूर हासिल करती है, चाहे पढ़ाई या एजुकेशन जब अपन बोलते हैं MSc MA, ये सिर्फ डिग्रियां हैं, इनका कोई मतलब नहीं है, पर असली एजुकेशन तो व्यवहारिकता है। या मुझे लगता है महिलाओं की बराबरी या महिलाओं के सशक्तिकरण की बात तब आएगी जब उंगली पे गिनकर कल्पना चावला, झांसी, ऐसे नाम ना गिनने पड़े, हमको लगे अरे यार बहुत हैं, अब नाम याद नहीं आ रहे। नहीं, और दूसरा क्या होता है, हम इनके तो नाम लेते लेकिन हम अपने आसपास की महिलाओं से इंस्पायर्ड होते हैं। इंस्पायर्ड, एग्जैक्टली, जैसे आप हैं, अब कोई भी अगर आसपास की महिला आपसे इंस्पिरेशन ले सकती है, पर हम क्या करते हैं, उनसे इंस्पिरेशन नहीं लेते, हम पता नहीं कहाँ आसमान में कोई इंस्पिरेशन तलाशते हैं, चाहे कि अरे भगनी निवेदिता हुई थी, अहिल्याबाई हुई थी, रानी लक्ष्मीबाई हुई थी, अरे आपके आसपास हमारी दादी हैं, हमारी नानी है, वो हमारी रियल इंस्पिरेशन है,
और उन्हीं का जो इंस्पायर्ड होकर हम आज अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, या हम आसपास ही हमें अपने रोल मॉडल तलाशना चाहिए, कोई आसमान में या पढ़े लिख के रोल मॉडल नहीं बनाना चाहिए। लिटरेसी को लेकर आप अपने स्वयं सिद्धा में क्या ऐसा करने वाली हैं जो महिलाएं जो हैं खुद तो पढ़ें, बहुत सारी महिलाएं ऐसी होंगी आपके ग्रुप में जो अभी नहीं पढ़ाई की होगी या छोड़ दी होंगी या चूक गई होंगी किसी कारण, या उनके घर में बच्चियां होंगी, तो उसके लिए आप कोई कदम उठा रहे हैं अपने संस्था के? हम उनको विषय देते हैं जी, छोटे छोटे विषय देते हैं कि ताकि आपका मेंटल जो लेवल है वो बढ़े, आप सोचें, आप में सोचने समझने की शक्ति है। जैसे अभी अभी हमारा मेला लगने वाला है 17 अक्टूबर को, तो उसमें भी हमने विषय रखा है कि गृह उद्योग, लघु उद्योग, इस पर आपको ऐसे लिखना है, निबंध लिखना, निबंध लिखना। तो आप क्या सोचती हैं, छोटे छोटे स्तर की जो महिला छोटा छोटा काम कर रही हैं वो क्या सोचती हैं, उनका व्यू आएगा ना देखने में। तो इस तरह के पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड या कुछ भी विषय दे के उनसे हम सुनना चाहते हैं कि वो अपने विचार इस विषय पे रखें, मंच पे आए, मंच पे बोलें। ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम करते हैं, कहीं ना कहीं जो छोटी जगहों से महिलाएं आती हैं, गांव से आती हैं, झुकी बस्तियों से आती हैं, उनका बैकग्राउंड बहुत डिफर होता है, वो कहीं ना कहीं संघर्ष करती हैं, पैसा कमाती हैं और उस पैसे को अपने ऊपर खर्च नहीं कर पाती हैं, वहाँ पर आप उनको क्या शिक्षा देना चाहेंगे? देखो, जो मैंने कहा कि भारतीय परिवार में जो महिलाओं को जो सिखाया गया है वो तो त्याग सिखाया गया है, तो महिला चाहे कितना भी कमा ले वो अपने ऊपर खर्च नहीं करेगी। कहीं ना कहीं इस त्याग के पीछे महिलाएं पीछे रह जाती हैं। क्या सोचती हैं आप कि स्वयं सिद्धा जो है कैसे उसको मदद मिलनी चाहिए, या वो और कैसे आगे बढ़ सकता है, किस तरीके की मदद की अपेक्षाएं हम रखते हैं? नहीं, हम किसी से कोई मदद की अपेक्षा नहीं रखते। जैसे मैंने पहले बोला कि खुद ही को हमें अपना इतना समर्थ बनाना पड़ेगा कि लोग हमसे खुद आके पूछें। हमने नाम ही स्वयं सिद्धा रखा है, तो हम नहीं चाहते कि कोई पुरुष कोई भी निर्णय हमारे उसमें ले, चाहे कोई सामान बनने का हो या किसी भी स्तर पर निर्णय हम ही लेंगे। हमने नाम ही स्वयं सिद्धा रखा है, तो हम किसी तो भी ये स्वयं सिद्धा किसी तरीके की सरकार से या किसी और से कोई मदद ऐसा फाइनेंशियल? नहीं नहीं, हम मदद चाहते भी नहीं ना हम लेंगे, क्योंकि हमने नाम ही ये पहले भी बोला है, नाम रखा है ना स्वयं सिद्धा, लोग अपने आप आएंगे। हमारा जैसे जैसे ग्रुप बढ़ेगा, मुझे लगता है कि 1000 महिला यदि ग्रुप में जुड़ जाएंगी तो हमें किसी भी स्तर पर कोई हमें पीछे नहीं कर पाएगा। तो बिल्कुल कह सकते हैं महिमा तारे जी से जो हम बात कर रहे हैं कि आत्मनिर्भर बनेंगे लेकिन आत्मसम्मान के साथ, और वो आत्मसम्मान हमारे अंदर तब आएगा जब हम किसी से मदद नहीं लेंगे, खुद के पैरों पे खड़े होंगे। तो ऐसा ही स्वयं सिद्धा जो है वो अपने पैरों पे खड़ा हुआ है। महिमा जी, आपको बहुत सारी बधाई कि आपने इतनी महिलाएँ जोड़कर एक ग्रुप बनाया और आगे भी उसको बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। महिमा जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शेफाली जी, थैंक यू। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।